अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धुर विरोधी रहे वल्लभ नगर के दिवंगत कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह शक्तावत का न्यू फतेहपुरा स्थित आवास शुक्रवार को मेवाड़ की सियासत का नया पावर सेंटर बनकर उभरा। यहीं से सीएम गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया यानी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आगामी चुनाव की तैयारी के लिए गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने का आह्वान किया। सीएम दोपहर 12 बजे शक्तावत के आवास पर पहुंचे और करीब एक घंटा यहीं रहे। उनके साथ कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी मेंबर और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, विधायक प्रीति शक्तावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरजा व्यास, प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, पूर्व विधायक सज्जन कटारा, राज्य मंत्री जगदीश राज शिमाली, लाल सिंह झाला सहित कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में मेवाड़ के 25 में से कम 20 सीटों पर कांग्रेस जीत के लिए सभी को एक जाजम पर जुटना होगा। कोशिश सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करने की होनी चाहिए। सीएम ने नेताओं से आह्वान करते हुए कहा कि मेवाड़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब फिर से उसी जोश और जज्बे के साथ चुनावी मैदान में उतरकर यहां भी भाजपा को पटखनी देने की जरूरत है। भाजपा के झूठ से जनता त्रस्त हो चुकी है। अगर कोई सौगात चाहिए तो मुझे बताइए, आप जो मांगोगे वो सौगात दूंगा। इसके बाद सीएम गहलोत सहित सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रीति के घर नाश्ता भी किया। इस दौरान आईजी प्रफुल्ल कुमार, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, एसपी विकास शर्मा और कलेक्टर ताराचंद मीना भी मौजूद थे। सीएम का शुक्रवार को शक्तावत के घर पहुंचना पूरे मेवाड़ में चर्चा का विषय बन गया। सीएम ने अलग अलग गुटों से ताल्लुक रखने वाले नेताओं के घर जाने के बजाय विधायक शक्तावत के घर जाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि प्रीति की कांग्रेस के सभी गुटों में पैठ है, इसलिए सभी गुटों के नेता उनके घर आसानी से पहुंच भी गए। दूसरा कारण ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शक्तावत ही एकमात्र कांग्रेस नेता थे जो मेवाड़ में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उनकी मौत के बाद पत्नी प्रीति ने बड़े अंतर से उपचुनाव जीत कर सबको अपनी ताकत दिखा दी। इधर सीएम के प्रीति के घर पहुंचने की सूचना पर घर के बाहर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मजमा लग गया। सीएम ने एक एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव मोहित नायक भी सीएम से मिले। इससे पहले सीएम ने दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत का प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।